खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसा अरजोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसा अरजोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसा अरजोई उदो मेरी बां फड़ ली उदों मेरी बां फड़ ली जदों बनदा सहारा नहीं सी कोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसां अरजोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसां अरजोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसा अरजोई गुरु जी दे लड़ लग के सारे दुख ते दलिद्र ने नस गए गुरु जी दे लड़ लग के सारे दुख ते दलिद्र ने नस गए गुरु जी दे लड़ लग के सारे दुख ते दलिद्र ने नस गए गुरु जी दे लड़ लग के सारे दुख ते दलिद्र ने नस गए मैं ना रही जदों सतगुर दिल विच वस गए हुईयां ने मुरादां पूरियां जो भी मंगिया है मिल गया सोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसां अरजोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसां अरजोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसां अरजोई उदों मेरी बां फड़ ली उदों मेरी बां फड़ ली जदों बनदा सहारा नहीं सी कोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसां अरजोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसां अरजोई सच खंड रहण वालिया मेरी सुन ली तुसां अरजोई किंतु जेड़ा गुरु घर दा सेवक है पूर्ण महापुरशां दा सेवक है उहनू की हो जाना चाहिदा हो जाना निरभउ चाहिदा कट देना सब भौ चाहीदा किसनू सेवक जो गुरु करदा गोइंदवाल साहब इस तरह दरबार सजिया होया है गुरु अमरदास जी महाराज बैठे ने सिखां ने आण के बेनती की महाराज शेखां दे मुंडे सानू बहुत परेशान करदे ने साडियां औरतां साडियां मातावां साडियां भैणां साडियां धीआं नू वी परेशान करदे ने ते महाराज जे तुहाडा हुकम होवे तो जरा उन्होंने सौदा ला दीए इस तुसी हुक्म करो तो महाराज जी कहन लगे कि नहीं बेटा तुसी कुछ नहीं कहना उन्होंने करता पुरख आप देखेगा ये हुक्म मन के बैठ गए ने समा पिया तो की होया कि एक दिन सन्यासी आए सन्यासियों का टोला आया उन्होंने भी इस तरह इन्होंने शेखां दे मुंडियां ने परेशान किया तो इन्होंने इन्हों का सौदा लाया सन्यासियों ने चंगी तरह फिर थोड़े दिन बाद दिल्ली तो लाहौर नू जांदा होया एक पठाणा का पठान फौजियों का टोला है जदों गया है तो की होया कि इत्थे रुके गोइंदवाल साहब रात हनेरी चली तो इन्हां दी खच्चर ये शेखां दे घर चल गई तो इन्हां ही शेखां दे मुंडियां ने खच्चर अपने घर बन ली सवेरे पता लगा जदों भाल होई तो यह खच्चर इन्हां शेखां दे मुंडियां दे घरों जदों निकली फड़ी गई तो की होया कि इन्हां पठान फौजियां ने
इन्हों का ऐसा सौदा लाया कि यह कह लगे कि हुण सानू बख्श देवो, असी तुहानू ते की होर किसे नू भी परेशान नहीं करांगे। ते सिखां ने जाके बेनती की, महाराज इस तरह होया है। ते गुरु महाराज जी कहन लगे, हाँ बेटा तुहानू तां ही क्या है कि निरभउ हो जाओ, निरवैर हो जाओ। जदों तुसी निरभउ हो जाओगे, निरवैर हो जाओगे, ते उह करता पुरख अकाल पुरख आप तुहाडा बदला लवेगे निरवैर दा। गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। इसे ही तरह सचखंड वासी संत बाबा त्रिलोक सिंह जी महाराज बैठे ने, उन्हां दे चरणां विच एक सेवक आया, महाराज साढ़े घर विच ऐसी विपता पै गई है कि मैं परेशान बहुत होया, कृपा करो। तो महाराज जी कहन लगे, बीबा पुत की विपता पै गई है? कहन लगा, महाराज साढ़े पिता जी ने एक साढ़े पिंड विच कतल हो गया सी, ते उहदी गवाही दे दित्ती। जिसने कतल किया सी वह तकड़े सन, जिन्हां ने जिसका कतल होया गरीब होण करके माड़े होण करके किसी ने भी गवाही नहीं दिती, ते साढ़े पिता जी ने गवाही दे दिती है, ते इस करके हुण उहनूं कीती दा फल ते मिल गया है। वह जेल दे विच है, ते उसके दूसरे भरावां ने मेरे सुते हुए भरा नूं कतल कर दिता है, मार दिता है। तो महाराज हुण साडा सारा परिवार रल के उसका बदला लेना चाहुंदा है, ते महाराज तुहाडा की हुकम है? ते सचखंड वासी संत बाबा त्रिलोक सिंह जी महाराज कहन लगे कि नहीं बीबा पुत, तुसीं बदला नहीं लेना। जे हुण मेरे कोलों हुक्म लिया है, साढ़े कोलों आण के हुक्म लिया है, तो तुहाडा